बनाई भाई हम अपना मोबाइल में गे अपना मोबाइल में के छोड़ी के सारी स्टाइल बहुत दिन से सवाल था भैया कि क्या पवन सिंह से कोई दुश्मन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव पर गाना गाते हैं, कहीं पेमेंट उमेंट देते हैं कि लीजिए हमारे बस गर्लफ्रेंड कुछ लोग हैं असली आदमी को सबसे बड़ा न्यूज है। और आज हमारे साथ भोजपुरी के जाने माने सिंगर मोनू अलबेला जी जो कि लगातार खेसारी लाल यादव पर गाना लाते हैं, लेकिन अब खेसारी लाल और पवन सिंह एक हो गए तो क्या इनसे जानेंगे कि अब सिर्फ और सिर्फ खेसारी पर ही गाना गाएंगे या तो फिर पावर स्टार पवन सिंह पर फिर लाएंगे। भैया सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल अनोखी न्यूज में। अनोखी न्यूज देखने वाले इसलिए भी हमारे श्रोता भगवान जैसे सबको मोनू अलबेला का प्यार भरा नमस्कार। जी भैया नया नया स्टूडियो का ओपनिंग हुआ, क्या फील करिएगा यहाँ आके, क्या भैया सेवा सत्कार किए? भाई मालिक ने करेंगे रिबन वाला फीलिंग क्या है? तो हर जगह अच्छा ही फीलिंग होता है, यहाँ प्यार सम्मान मिला और उससे ज्यादा क्या चाहिए एक सिंगर। बहुत ही अच्छा लगा करके मैं विशेष थैंक चंदन को देना चाहता हूँ, मेरा छोटा भाई जो बुलाया यहाँ पे। निशु भाई इतने अच्छे दिल सब हाई है, सब मेहनत करे आगे बढ़े जिस तरह से हम मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और मेहनत कर रहे ताकि और आगे जाएं। जी भैया है स्टूडियो का मालिक निशु रंजन जी, क्या कहिएगा भैया फिर से एक बार कुछ? जी भैया तो यहाँ पे आइए और नया नया सिंगर का बहुत ही कम खर्च में और कम बजट में अच्छा काम होगा। क्या भैया लोग का गाना आएगा इस चैनल से या म्यूजिक वर्ल्ड से? क्या भैया आएगा यासी म्यूजिक वर्ल्ड से आए कि ना आए, लेकिन इस स्टूडियो से रिकॉर्डिंग जरूर होगा। मेन इनका मोटो यासी म्यूजिक वर्ल्ड से गाना रिलीज कर, मेन मोटो गरीब लोग यहाँ से यस म्यूजिक से गरीब लोग स्टूडियो में गाए, ठीक है ना? और सबका जिसके पास 500 रुपया भी है दूब अपना मन छोटा करके नहीं जो भी नया म्यूजिक गाए, तो ये बहुत बढ़िया सोच है इनका और बहुत आगे बढ़ेंगे इस सोच में अगर हमेशा रहेंगे तो। थोड़ा सा गाना गुनगुना हर वीडियो बनाई बो हम अपना मोबाइल में जी अपना मोबाइल में नाचे बलमुआ हर नाचे बलमुआ खेसारी स्टाइल में। जी आपसे मेरा पर्सनल एक बहुत दिन से सवाल था भैया कि क्या पवन सिंह से कोई दुश्मन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव पर गाना गाते हैं? पर्सनल आप ही का सवाल नहीं था, बहुत लोगों का कुछ नहीं है। पवन भैया को सुन करके ही लोग आगे बढ़े हैं, वो हम है या कोई भोजपुरी के स्टार हो सबको उनको सुनते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि इंटरनली कोई प्रॉब्लम है। और खेसारी भी अपना आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, तो शुरू से उनको गाते हैं, उनके नाम से गाते हैं, अच्छा रिस्पांस मिलता है, लोग भी मानते हैं, चाहते हैं कि कहीं पेमेंट उमेंट देते हैं कि लीजिए हमारे कुछ नहीं है पेमेंट किसी को कोई नहीं देता है, प्यार मिलता है वही सबसे बड़ा पेमेंट होता है, प्यार से बड़ा मोहब्बत से बड़ा कोई पैसा पेमेंट नहीं होता है। जी हाँ ये तो बात है, आप हमको पेमेंट दे रहे इंटरव्यू नहीं तो पैसा कमाइएगा तो हमको दे दीजिएगा बढ़िया मिल जाता है भैया कि नहीं 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 आपको मेरे पैसे की जरूरत है भैया। कमा के क्या करते हैं पैसा? बस गर्लफ्रेंड कुछ लोग हैं असली आदमी को सबसे बड़ा न्यूज है। और सही बात है, आप पवन सिंह और खेसारी लाल एक हो गए तो क्या दोनों पर कुछ गाना आएगा? दोनों पर गाना आएगा, मगही गाना हम अभी गाने के लिए सोच रहे हैं। औरंगाबाद से जिले से ना, तो मगही में मगही में कुछ अभी जस्ट बना के थोड़ा सा नहीं भाई हम अपना मोबाइल में गए अपना मोबाइल में छोड़ी के सारी तो क्या भैया कब तक मगही गाना देखने को मिल जाएगा? हमारे ऑडियंस काफी लोग मगही जुड़े हैं हमारे चैनल पर। हाँ तो मगही बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा और धासु एकदम स्टाइलिश रूप में मगही सुनने को मिलेगा, अपना नया नया लुक लेके आएंगे हम मगही में ताकि एकदम सब